वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी चैनल एवरीवन। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही थी, 40 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 41, इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। एक प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर कर दीजिए। तो बाकी सब्सक्राइब रखिए चैनल को, और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस रखना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। जितनी भी टेस्ट सीरीज़ इस चैनल पर चल रही हैं, सबका प्लेलिस्ट में लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है प्राचीनतम सिक्कों को? आहत सिक्के कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है प्राचीनतम सिक्कों को। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया था सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य? हिंद यवन शासकों ने किया था। किसने? हिंद यवन शासकों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और उसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विवरण किया है? कौन है वो? वो है इत सिंह ही आया था 7वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, पतंजलि की महाभाष्य रचना से इनमें से किसके इतिहास का पता चलता है? बताइए, किसके इतिहास का पता चलता है पतंजलि की महाभाष्य रचना से? किसके इतिहास का? तो शुंगों के इतिहास का पता चलता है पतंजलि की महाभाष्य रचना से। किसके इतिहास का पता चलता है? शुंगों के इतिहास का पता चलता है पतंजलि की महाभाष्य रचना से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था तो उस समय वहाँ के कुलपति कौन थे? बताइए, कौन थे वहाँ के कुलपति? ये थे आचार्य शीलभद्र। कौन थे वहाँ के कुलपति? कुलपति थे वहाँ के आचार्य शीलभद्र। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेजनी का संबंध किस क्रांति से है? तो मेजनी का संबंध है इटली के एकीकरण से। किससे है? इटली के एकीकरण से। क्वेश्चन नंबर 7 है, 21 जून को सूर्य कहाँ पर लंबवत चमकता है? बताइए, 21 जून को सूर्य कहाँ पर लंबवत चमकता है? तो कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ 4 स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा सही नहीं है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को कहाँ चमकता है? कर्क रेखा पर। 22 जून को कहाँ चमक रहा है? मकर रेखा पर लंबवत। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये करेक्ट है। विश्व पृथ्वी की वह स्थिति है जब पृथ्वी की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सभी जगह दिन और रात बराबर होते हैं। बताइए, करेक्ट है इनकरेक्ट? तो ये भी करेक्ट है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। बताइए, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। ये भी करेक्ट है। 22 दिसंबर और 22 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। देखिए, गलत है। 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर सभी जगह दिन और रात बराबर होते हैं, ना कि 22 दिसंबर और 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या होता है? बताइए, क्या होता है सूर्य ग्रहण की स्थिति में? तो देखिए, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो उससे क्या होता है, जो चंद्रमा की छाया है उसमें सूर्य छिप जाता है, जिससे क्या है, पृथ्वी से वह दिखाई नहीं देता। तो सूर्य ग्रहण मानव के द्वारा ही तो बनाया गया है ना, ये नाम किसके द्वारा दिया गया? हम लोगों के द्वारा दिया गया। तो ऐसा क्या होगा, इसमें चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ती है तो वह दिखाई नहीं देता, तो ग्रहण लग गया सूर्य पर। यही है, इंपॉर्टेंट है। ये बहुत घुमाते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्रग्रहण कब होता है, मतलब स्थिति पूछ लेते हैं वैकल्पिक प्रश्न बनाकर। तो देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि सूर्य जो है ना, सन, वो हमेशा स्टेबल रहेगा। सूर्य जो है हमेशा स्टेबल रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ 3-4 ऑप्शन है,
कि सूर्य को काले बादलों की छाया घेर लेती है और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है। तो देखिए, सूर्य नहीं आएगा हर समय, या तो पृथ्वी आएगी या चंद्रमा आएगा। अगर चंद्रमा आएगा तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। अगर पृथ्वी आएगी तो चंद्र ग्रहण होगा। मतलब अगर उंगली करने की आदत किस किस को है? पृथ्वी को है और चंद्रमा को है। सूर्य अपनी जगह स्टेबल है, तो कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में ये आए कि सूर्य आ जाता है चंद्रमा पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, तो सबसे पहले उसको एलिमिनेट करना, क्योंकि सूर्य स्टेबल है, वो कहीं नहीं जाता है। या तो पृथ्वी आएगी बीच में या चंद्रमा आएगा, इस तरह से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। करेक्ट है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। ये भी करेक्ट है। इसके दो भाग होते हैं, सियाल और सीमा। ये भी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट हो गया ये। यह अंदर की तरफ 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। देखिए, 100 किलोमीटर बहुत हो गया, ये अंदर तक 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सी अपसादी चट्टान नहीं है? तो चूना पत्थर एक अपसादी चट्टान है, बलुआ पत्थर एक अपसादी चट्टान है, और सैल एक अपसादी चट्टान है। लेकिन संगमरमर जो है एक अपसादी चट्टान नहीं है, ये रूपांतरित या कायंत्रित चट्टान है। रूपांतरित या कायंत्रित चट्टान है, ये चूना पत्थर के रूपांतरण से बनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो वेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट भी एक आग्नेय चट्टान है, बिटुमिनस कोयला भी एक आग्नेय चट्टान है, लेकिन ग्रेफाइट आग्नेय चट्टान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व में सबसे अधिक तट रेखा किस देश की लंबी है? जैसे इंडिया में गुजरात की सबसे ज़्यादा लंबी है ना, तो विश्व में कनाडा की सबसे ज़्यादा लंबी है। कनाडा की सबसे ज़्यादा लंबी है, लगभग 2 लाख किलोमीटर के बराबर है, 2,20,000 समथिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? यानी ये सारी की सारी जो जलधारा हैं वो अटलांटिक महासागर की हैं, लेकिन ये पूछ क्या रहा है, इसमें ठंडी जलधारा हमको इसमें छाटनी है। तो ब्राज़ील एक गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम भी एक गर्म जलधारा है, फ्लोरिडा और फॉकलैंड में से एक आंसर है। तो फ्लोरिडा भी एक गर्म जलधारा है, जबकि जो फॉकलैंड है ये एक ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है पूछा इस बार? इस समय कोल्ड करंट नहीं है, मतलब वो गर्म होगी। तो लैब्राडोर कोल्ड करंट है, ठंडी जलधारा है। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा ठंडी जलधारा है, और बेगुएला की जलधारा भी ठंडी जलधारा है, लेकिन उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा एक गर्म जलधारा है, ये ठंडी जलधारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निक्की किस देश के शेयर सूचकांकों का नाम है? जैसे निफ्टी इंडिया में चलता है ना, तो निक्की कहाँ का है? तो जापान का है ये, निक्की जापान के टोक्यो का है, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति कर सुधारों से संबंध रखती है? तो सरकारिया समिति तो होगी नहीं, क्योंकि ये केंद्र राज्य से संबंध रखती है, और राजा चेलैया हो जाएगी इसमें। राजा चेलैया समिति जो है वो कर सुधारों से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? बताइए कब मिला था ये? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में मिला था, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1935 के भारत शासन अधिनियम में कौन सा प्रावधान नहीं था? बताइए। तो पहले तो ये याद रखिए कौन कौन से प्रावधान थे, तो जो नहीं था वो तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। प्रांतीय स्वायत्तता थी इसमें, और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना भी थी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी था, इसके अलावा ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता, संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था, भारत परिषद का अंत, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। लेकिन केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, विधायिका की स्थापना नहीं था, ये 1919 के अधिनियम में थी। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना सबसे पहले 1919 के अधिनियम में की गई, तो बी गलत हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है, संघीय न्यायपालिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? बताइए। तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत नहीं की गई, मार्लेमिंटो अधिनियम 1909 के तहत नहीं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भी नहीं, ये की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रावधान इसमें किए गए बहुत पूछे जाते हैं। तो संघीय न्यायपालिका की स्थापना भी भारत सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद का अंत भारत सरकार अधिनियम 1935,
केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना भी भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्तता भी भारत शासन अधिनियम 1935, और अखिल भारतीय संघ भी भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो कुछ 20 प्रश्न थे, बेसिक थे, और सीधे सीधे इनका आंसर आपको पता होना चाहिए। इनमें कुछ ऐसे नहीं है कि रॉकेट साइंस है और एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता पड़ेगी सब में। तो अच्छे से रिविज़न कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।